स्वदेशी महारैली, इसका बीज पिछले वर्ष धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पड़ा। पिछली 12 नवंबर को, पिछले वर्ष 12 नवंबर 2016 कुरुक्षेत्र के अंदर स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा आयोजित हुई थी। वहां पर देश के स्वदेशी प्रेमियों ने, इस देश के राष्ट्रवादियों ने अपने देश पर आ रहे चीन के सामान के, चीन के आर्थिक आक्रमण के बारे में सतत चिंतन किया, गहराई से चिंतन किया और ऐसा ध्यान में आ गया कि जिस चीन ने 1950 के अंदर तिब्बत को हड़प लिया, जिस चीन ने 1962 के अंदर हमारे अक्साई चीन के सारे क्षेत्र को हड़प लिया, जिसने लगातार हमारी सीमाओं पर का अतिक्रमण किया, पिछले 15-18 साल से वो अब लगातार हमारे बाजार, हमारे व्यापार और हमारे रोजगार पर कब्जा करने की कोशिश में है। जब ध्यान में आ गया कि ऐसा चाइनीज आर्थिक साम्राज्यवाद इस समय पर संपूर्ण भारत को दोबारा से चुनौती देता सामने खड़ा है, तो ठीक ये ध्यान में करके कि इस चाइनीज आक्रमण का अब उत्तर भारत को देना ही चाहिए, तो इसीलिए उसी कुरुक्षेत्र में जहां पर 5250 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष पूर्व सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में महाभारत हुआ था, उसी महाभारत की भूमि पर जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने के मुख से गीता निश्चित हुई थी, उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में राष्ट्रवादियों ने उद्घोषणा कर दी एक नए युद्ध की। क्यों? क्योंकि गीता का संदेश था, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और इसलिए इस चाइनीज आक्रमण के खिलाफ भारत ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गत 12 नवंबर को आज की इस उद्घोषणा का, इस एक साल चले हुए महाभारत का उद्घोषणा की वहां पर, जिसका प्रमुख स्लोगन रखा स्वदेशी स्वीकार चाइनीज बहिष्कार। यह ध्यान में आ गया कि इस समय पर जो चीन ने आक्रमण किया है वो एक नए प्रकार का आक्रमण है। आज तक भारत हमेशा से प्रत्यक्ष युद्ध का अनुभवी था, उसमें कैसे विजयी होना इसके मामले में मालूम था, किंतु ये नया आर्थिक आक्रमण भी होता है जिसको आज की भाषा में ट्रेड वार बोलते हैं, इसके बारे में भारत को अभ्यास नहीं था, भारत को जानकारी नहीं थी। इसलिए भारत पिछले 15-16 साल से लगातार उस आर्थिक आक्रमण की मार झेलता झेलता यहां तक पहुंच गया कि 2015-16 में ही 3,50,000 करोड़ रुपया ये भारत का चीन को चला गया केवल एक वर्ष में। जिन दिनों में इंग्लैंड हमारे पर राज करता था, अंग्रेज राज कर रहे थे प्रत्यक्ष, और वो हम उस समय पर स्वतंत्र नहीं थे अपनी नीतियां बनाने को, उस वर्षों में भी किसी एक वर्ष में इंग्लैंड हमारे से इतना पैसा और इतना रोजगार नहीं छीन पाया जितना 2015-16 के एक वर्ष में ही चीन हमारे देश से ले गया। हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। हमने बात की, हमारे यहां बैठे बड़े सीनियर प्रोफेसर, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं यहां पे, एक एक के नाम नहीं लेता हूं, बड़े आर्थिक विशेषज्ञों के जानकार,
मंत्रालयों के जानकार, विषयों के जानकार, तब उन्होंने कहा कि इसका प्रमुख कारण चीन के साथ हम तो कर रहे थे व्यापार, किंतु चीन कर रहा था व्यापार युद्ध, इसलिए उसने अपनी आइटमों को नॉन इकोनॉमिक तरीके से, गलत तरीकों से और भारत के बाजार में सस्ता करके उतार दिया। भारत की जनता समझ नहीं पाई, ये सोच के कि सस्ता है इसलिए खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाजार पर कब्जा हुआ, उसके कारण से हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हमारे उद्योग धंधे बर्बाद होने शुरू हुए, बंद होने शुरू हुए, और उसके कारण से इस देश का लाखों का रोजगार ये यहां से छीनकर चीन ले गया अपने आप। शिवाकाशी के पटाखा इंडस्ट्री, हजारों लोगों का रोजगार छीन कर गया चीन। पानीपत यहां नजदीक का शहर है, ऐतिहासिक शहर है, उसके हजारों टेक्सटाइल के, हैंडलूम के, पावर लूम के मजदूर 80,000 से अधिक बेरोजगार हो गए, ये रोजगार शिफ्ट हो गया चीन। देहरादून की सीरीज गई, अलीगढ़ का ताला इंडस्ट्री गया, कानपुर का जूता उद्योग गया, सूरत की सीमा सिरेमिक इंडस्ट्री चली गई एक के बाद एक। किंतु गत वर्ष भारत जागा, रामायण में प्रसंग है, जिस समय पर मेघनाद ने शक्ति मारी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो बड़ा विषय तो हो गया कि उस समय का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा लक्ष्मण ये मेघनाद से मार कैसे खा गया। मुरारी बापू आए कुरुक्षेत्र के तट पर ही, उन्होंने कथा की, उन्होंने कहा, संतों में चर्चा हुई कि लक्ष्मण मूर्छित कैसे हो गए, तो जब सुषेण वैद्य आए, हनुमान जी वहां से संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया, तो पूछा लक्ष्मण क्या हुआ, लक्ष्मण ने कहा मुझे भी मालूम नहीं। तब विभीषण ने कहा मैं बताता हूं, आप क्षत्रिय कुल के लोग हो, आप भरतवंशी हो, आप रघुवंशी हो, इसलिए आप लोगों को प्रत्यक्ष युद्धों का अभ्यास है, किंतु ये सामने जो लड़ रहे हैं ये राक्षस हैं, ये मायावी युद्ध लड़ते हैं। मेघनाद ने माया उत्पन्न की, उस माया से उत्पन्न करके शक्ति ये मेघ के पीछे गया, लक्ष्मण को दिखाई नहीं दे सकती थी वो शक्ति, मेघों के पीछे से छिपी हुई शक्ति आई, लक्ष्मण को प्रतिरोध नहीं हो पाया, लक्ष्मण शक्ति खा गए, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। ये तो उनका ब्रह्मचर्य, कुछ राम जी की कृपा कि लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई। लक्ष्मण जब उठे तो लगा अच्छा ऐसा है क्या, ये मायावी युद्ध में छिपकर भी वार हो सकते हैं क्या। विभीषण ने कहा महाराज राक्षस कुल से लड़ाई पड़ी है आपकी, आप भारत की सामान्य लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। तब फिर लक्ष्मण ने कहा ठीक, तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, हनुमान खड़े हो जाओ, इन राक्षसों ने अगर मायावी युद्ध किया है तो हम भी इसे मायावी युद्ध में लड़ेंगे। और कहा सुग्रीव जरा हथियार उठाओ। और विभीषण ने कहा ये मेघ, विभीषण से पूछा ये मेघराज ये कहां पर माया रचना करता है, उनका नगर में अमूल स्थान पर करता है। उनका ठीक, हम क्षत्रिय कुल के लोग हैं, युद्ध भूमि के अलावा आज तक कभी लड़े नहीं, लेकिन इन मायावियों से अगर लड़ना है तो पहली बार चलो हम यज्ञ की वेदी के ऊपर जाकर उस माया की रचना करने वाले मेघनाथ पर रणभूमि में नहीं यज्ञ वेदी के ऊपर भी जाकर युद्ध करेंगे। और लक्ष्मण खड़े हुए, हनुमान सुग्रीव विभीषण साथ पहुंचे, मेघनाथ वहां नई माया की रचना कर रहा था। लक्ष्मण ने लगा रहे खड़ा हो, मेघनाथ ने कहा मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, इस समय युद्ध नहीं हो सकता। लक्ष्मण ने कहा अरे छोड़ पाते हैं, तुम मायावी युद्ध करके शक्ति मारते हो, अब तुम्हारे से कैसे निपटना हम जान गए हैं, इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं आज का युद्ध इस यज्ञ वेदी पर ही होगा। और वो युद्ध हुआ और मेघनाथ का वही परिकाम तमाम हुआ। भारत ने निर्णय किया कि ठीक, आज तक हम चीन का व्यापार युद्ध भी होता है ये हमारे ब्यूरोक्रेट समझे नहीं थे, हमारे राजनेता समझे नहीं थे, हमारे अर्थशास्त्री समझे नहीं थे, हमारे पूर्व सैनिक समझे नहीं थे, इसलिए वो सामान्य युद्ध की बात कर रहे थे। हमने ट्रेड वार का ट्रेड वार से उत्तर दिया, हमने हथियार निकाला,
वही पुराना जिसका उपयोग गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया, जिसका प्रयोग मल्टीनेशनल के खिलाफ स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया, जिसका उपयोग एकाध मानव दर्शन की कथा लिखते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, उसी बहिष्कार शस्त्र का उपयोग किया और सारा भारत स्वदेशी समीकार चाइनीज बहिष्कार इस बोर्ड पर आ गया। यहां बैठे अरुणाचल से लेकर गुजरात की कच्ची खाड़ी तक यहां बैठे हैं हमारे तिब्बतियन बंधु, लद्दाखी बंधु, वहां से लेकर यहां बैठे हमारे सीए साहब, मैं देख रहा था केरल के रंजीत जी केरल से आए हैं, सुंदरम जी तमिलनाडु से आए हैं, कौन सा ऐसा देश का सेक्शन है, झारखंड के जंगल हो या मुंबई की अट्टालिकाएं, दिल्ली के और बड़े कैलाश कॉलोनी के ये एरिया हो या फिर और उड़ीसा की झुकी झोपड़ियों के इलाके, संपूर्ण क्षेत्र में एक ही उद्घोष हुआ और वो उद्घोष था स्वदेशी स्वीकार चाइनीज बहिष्कार।